नमस्कार दोस्तों, ललिता की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल से होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आज फिर आई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैंने बनाई है पिसे हुए अमचूर की खट्टी मीठी चटनी, और जो बहुत ही टेस्टी बनी है। और इस चटनी को आप पूरी, पराठा, दही भल्ले, टिक्की किसी के ऊपर भी डालकर खा सकते हैं। ये चटनी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत अच्छी बनी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। से चटनी बनाने के लिए मैंने चौथाई कप लिया है अमचूर, और एक कप मैंने चीनी ली है। आप किसी भी कटोरिया कप का मेजरमेंट बना लें, किसी की भी नाप से आप बना लें। और सबसे पहले मैंने ले लिया है एक स्टील का बर्तन, हो सके तो आप भी स्टील का बर्तन ले लें। और अमचूर पाउडर को मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और आधा कप मैंने पानी डाला है। इस चटनी में हमारा टोटल 1.5 कप पानी डालेंगे हम। और देखिए, अमचूर को अच्छे से घोल लेंगे। अमचूर हमारा अच्छे से घुल गया है, तो अब मैंने इसके अंदर डाल दी है 1 कप चीनी, और इसके अंदर मैंने 1 कप पानी और डाल दिया है, मतलब टोटल 1.5 कप पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और इसे हम अभी गैस के ऊपर रख देंगे, और हमें इसको चलाते हुए अभी चीनी को घोलना है। तो चीनी हमारी घुल गई है, गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल कम कर दिया है। और हम कुछ मसाले देख लेते हैं। और ये लिया है मैंने आधा चम्मच काला नमक, और ये हींग लिया है, और ये आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच सौंफ है पीसी हुई, और ये मैंने आधा चम्मच लिया है गरम मसाला, और ये आधा चम्मच लिए है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और देखिए, इसमें हमारे उबाल आ गया है, और जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ना फ्रेंड्स, इससे हमारी चटनी में बहुत अच्छा कलर आएगा। और गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया, और सब मसालों को एक साथ डाल देंगे। और देखिए, मसाले हमारे बहुत अच्छे से मिल गए हैं, और गैस का फ्लेम मैंने कम कर दिया है। इसे हमें कम गैस पर ही 15 मिनट पकाना है। और देखिए, मैंने 1 चम्मच ये खरबूजे की गिरी ले ली है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। और देखिए, इसको पकते हुए भी 5 मिनट ही हुए हैं, और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। और देखिए, अब चटनी को पकते हुए हमारे ये 8-9 मिनट हो गए हैं, और थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है ये। अब इसके अंदर मैंने खरबूजे की बीज भी डाल दिए हैं, और देखिए कितनी अच्छी चटनी लग रही है हमारी। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे। और फ्रेंड्स, मुझे ना इस चटनी का ना नेचुरल कलर ही पसंद है, और इसमें और थोड़ा सा कलर आ जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा गुड़ डालूंगी इसके अंदर। और अगर आप चाहें तो कोई सा मतलब रेड फूड कलर भी लगा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे ये नेचुरल कलर की ही चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी धीरे धीरे भी पक रही है, तो इसमें ये बहुत शाइनी बन जाएगी हमारी चटनी। अभी मैंने 2 चम्मच के करीब गुड़ ले लिया है, जिसे मैंने बारीक कर लिया, और ये मैंने आधा कप चीनी ली है, क्योंकि अभी मैंने अपनी चटनी टेस्ट की थी तो अभी वो काफ़ी खट्टी है, तो इसलिए आधा कप चीनी और गुड़ हम इसके अंदर डाल देंगे। और गैस का फ्लेम अभी मीडियम ही रखेंगे, क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन दोनों को घोलना है, क्योंकि चीनी को और गुड़ को मेल्ट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और देखिए, ये बहुत अच्छे से भी हमारी चटनी पक रही है। अभी इसे हमें 5 मिनट और पकाना है। अभी 5 मिनट हो गए हैं, टोटल हमारी चटनी को पकने में पूरे 15 मिनट लगे हैं। और देखिए, कितनी अच्छी हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसको भी हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही मैं इसको एक बाउल में निकालूंगी। और फ्रेंड्स, देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है, मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। और देखिए हमारी कितनी अच्छी चटनी बनी है। आप इसे दही भल्ले के साथ, टिक्की के साथ और पकौड़े के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बस चटनी बनाते हुए आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आप चटनी को टेस्ट करके देख लें एक बार, और अगर आपको खट्टी लगे तो इसमें आप और चीनी डाल सकते हैं, गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और आपको 1 हिस्सा अमचूर पाउडर और 4 हिस्से आपको चीनी के लेने हैं। आप अगर ये ज़्यादा खट्टी लगे तो आप और मीठा बढ़ा लें। और बस एक बात का और ध्यान रखना कि आप इसको ज़्यादा गाढ़ा होने तक गैस के ऊपर मत रखना, वरना फिर ये आपकी बिल्कुल जम जाएगी। और फ्रेंड्स, आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इन्हें अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी का बटन ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपसे अपने अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।